बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है। कल सपा और कांग्रेस के बीच हुई बैठक में नहीं बनी बात और सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं बन पाई है। 12 जनवरी को दोबारा मीटिंग बुलाई गई है और कोई बात नहीं हो पाई है, ये रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में जारी सीट बंटवारे को लेकर हो रहे मंथन के बीच मंगलवार को लोकसभा के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर सीट बंटवारे पर चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस और एसपी के नेता शामिल थे और कांग्रेस महासचिव और पार्टी की गठबंधन समिति के मुकुल वासनिक के सरकारी आवास पर यह मीटिंग हुई, जिसमें वासनिक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, कांग्रेस महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित एसपी से रामगोपाल यादव और जावेद अली मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश को लेकर फिर से एक बार चर्चा का राउंड होगा, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला लगातार बने हुए हैं। मयूर, शायद इसीलिए क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी, और इसीलिए संकेत तो दे रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन सीटों को लेकर पेच हर तरफ फंसा हुआ नजर आ रहा है, इसलिए 12 तारीख को अब अगली मीटिंग। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने एक बात यह भी वहां पे कही है कि बहुजन समाज पार्टी से उनका गठबंधन इसके पहले हुआ था, वो बहुत ज्यादा सफल साबित नहीं हुआ, अनुभव बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी का नहीं है बसपा के साथ। कांग्रेस के साथ भी जो गठबंधन हुआ था वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा, वो बाद में उनको तोड़ना पड़ा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी दोनों से कहीं ना कहीं उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात जो है पास्ट में नहीं रहे हैं जो कि लंबे समय तक चले। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दाव पेच और मैथमेटिकल अरिथमेटिक उनके दिमाग में अखिलेश के चल रहा होगा कि उनके जो जिता हुए कैंडिडेट हैं, यही वजह है कि लगातार 3 दिन की जो बैठक है युद्ध स्तर पर वो समाजवादी पार्टी में चल रही है। सभी अपना फीडबैक भेजेंगे, रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है, जहां पर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज समाजवादी पार्टी करती हुई नजर नहीं आएगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अगर इंडी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होती है, जो कि संकेत मायावती की तरफ से फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, इसके पहले उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे किसी तरीके से, अभी हाल ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जो है एक्स पर पोस्ट के जरिए, तो उस पर भी विवाद पैदा हुआ। तो मायावती का क्या रुख है ये स्पष्ट नहीं है, हालांकि इसके पहले जिन दिन से गठबंधन किया अच्छा उनका स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले बीएसपी की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे, लेकिन क्या 12 तारीख को सीट शेयरिंग पर बात बन पाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।